तो उनके ऊपर जो दबाव जो हमारा हमारा जो खून का जो खून का दौरा जिससे ये हृदय धड़कता रहे पत्रकारिता के रूप में, उसका कोई आप हमें लेसन दीजिए, कोई कोई विकल्प कोई रास्ता ऐसा बताइए कि हम अपना काम ठीक से कर सकें और एक संदेश ऐसे चैनल को जा सके जो कारण कारण चैनल लेकर या बीच बीच चैनल लेकर इकट्ठे एक पूंजीपतियों के हाथ में आ गए हैं। और उनके बिना मैं अपनी बात करता हूँ, पहले मैंने दूरदर्शन देखना बंद किया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन धीरे धीरे अब चैनल बंद करके मैं सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल पे खुशियों की देखना चाहता हूँ। ऐसे हालात के ऊपर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि इस चिंता में आप सम्मिलित हो, आपका एक संदेश हो और हमें एक देश हो। नहीं, आपने बहुत काम के सवाल उठाए हैं। जहाँ तक टीवी चैनल्स का सवाल है, मुझे भी आप दोष दे सकते हैं। मेरा तो लगभग रोज ही किसी न किसी भारतीय विदेशी चैनल पे कोई कोई इंटरव्यू आता है, मैं तो वो भी नहीं देखता। दूसरों को देखना तो ठीक है, अपने भी नहीं देखता। इतना मुझे विकर्षण हो गया, एक आकर्षण होता है ना, विकर्षण हो गया। उसका एक कारण ये भी है कि जब मैं न्यूयॉर्क में पढ़ता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मेरी मामी अमेरिका थी, मेरे मामा प्रोफेसर थे। तो पहले ही दिन जब मैं गया 4 जुलाई 1969 को होना, तो रात को उसे बोलती है मामी, हे वेदिक, आर यू नॉट वॉचिंग दिस इडियट बॉक्स? तो मैंने कहा, मामी जी, व्हाट इज दिस इडियट बॉक्स? इडियट बॉक्स क्या है? मुझे तो मैंने कभी नाम नहीं सुना था, अपने टीवी लाइफ में सुना। बोले, वो देखो, वो इडियट बॉक्स। मैंने कहा, यार इसमें फोटो किस क्या आएंगे? मतलब मुझे करते ही नहीं थी टीवी होगा उनके घर, सुना था उसके बारे में, ऐसा होता है। तो जो इडियट बॉक्स शब्द है ना, वो आज तक मेरे दिमाग में लगा हुआ है। हमारे यहाँ टीवी चैनल्स आजकल एक दूसरे से पंगा लेते रहते हैं, टीआरपी के चक्कर में कुछ भी करते रहते हैं, तो क्या करें, मजबूरी, सब प्यार होती है। देश की समस्या के बारे में तो कोई बात नहीं करते। आप विश्वास करेंगे, मैं आजकल टीवी चैनल कि एंकर कौन है और पार्टिसिपेंट्स कौन है। अगर वो पार्टियों के प्रवक्ता वहाँ होते हैं तो मैं कहता हूँ, भाई मेरी तो कोई पार्टी है, मेरी तो पार्टी देश है, देश की बात करने वाले वहाँ हो तो मुझे बुलाइए, वहाँ पार्टियों की बात करने वाले कोई विशेषज्ञ हो उसको बुलाइए। ये भी बात, दूसरी बात ये है कि खुशामद की बात है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जो देश के लिए बोलने वाले अगर उनका ही चर्चा आप करा रहे हो तो मैं, तो थोड़ा सा अच्छे पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए कुटपटांग लोगों के साथ बैठ के बहस में हिस्से ना। कई बार ऐसा होता है, मुझे बताते नहीं है, बुला देते लड़कों बहस कराते, वे छोटे होते हैं। आजकल तो इसमें बहस होती ही नहीं है, आजकल तो लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ चार आदमी बैठे हैं और वो एक दूसरे पर वो लगे रहते हैं और लड़ाई, और एक दो चैनल को छोड़कर कोई भी बेस की बात कोई चैनल नहीं उठा रहा। और जिसको कहते हैं ना भी को सरकार की गोद में, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार की गोद में बैठने वाले हैं सारे जितने भी है। अब छत्तीसगढ़ में सर तो उसमें क्या है अभी, बहुत अभी मैं कल ही एक चैनल पे सुन रहा था जो कि बड़ी अच्छी खबरें दे रहा है इस टाइम, कहते छत्तीसगढ़ में वो जंगलों में ना कोई, वहाँ जो आदिवासी रहते हैं तो 11 लाख लोगों के घर वो उजाड़ रहे हैं उनको, और उनको पता भी नहीं है बेचारों को हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा। और ऐसी खबरें आज तक ना तो किसी अखबार ने जलानी है ना किसी चैनल ने, अखबारों में ये खबर बहुत 3 दिन से खबर बहुत तेजी से चल रही है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसने सबको आदेश दे दिए हैं, सारे जिलों के जितने कलेक्टर वगैरह हैं सबको आदेश हो गए हैं कि इतने, वो एक आंकड़ा है कि कितने लाख लोगों को जमीन से हटाया जाएगा, आदिवासियों को, और जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है।
सरकार के पास दस्तावेज नहीं, मालिकाना हक के प्रमाण नहीं है। तो इस मामले को मैं समझता हूँ इतना नाजुक मामला है कि इस सरकार वो समझ के इसको हैंडल करना चाहिए, वरना ये उसके गले का सांप है। और चैनलों पे कोई आता ही नहीं डिबेट ही इसके बारे में, किसी भी चैनल मेरा फोन आता है।